तो गाइस यार बहुत जल्द हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर काफी सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। हम लोगों को फ्री में ग्लू वॉल मिलेगी, फ्री में बंडल मिलेंगे, फ्री में इमोट मिलेंगे, फ्री में गन स्किन मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम लोगों को फ्री में मिलने वाली है। मुझे पता है गाइस आप लोग फ्री रिवॉर्ड का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरानियत में आ गए होंगे और आप लोग जानना चाहते होंगे कि हम लोगों को कब कैसे और कौन से फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो यारो देखो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग आज के वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले सारे के सारे फ्री रिवॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन दूंगा, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कब कैसे और कौन से फ्री रिवॉर्ड हम लोगों को मिलने वाले हैं। फिर गाइस यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस यार आज मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के रिगार्डिंग काफी सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ गाइस यार आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले बहुत सारे वेब इवेंट का भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे गेम के अंदर काफी जल्द बहुत ही कमाल का डिस्काउंट इवेंट आने वाला है, उसका भी आज मैं आप लोगों को रिव्यू करवाऊंगा। सच में यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए गाइस यार आज की वीडियो को आप सभी लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट कर रहे आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले OB38 अपडेट के बारे में। तो गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट 11 जनवरी के दिन आने वाला है। और गाइस यार इस बार के OB38 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि गाइस यार जो हमारा स्कैलर कैरेक्टर है उसकी स्किल में भी एक चेंज होने वाला है। जैसे कि गाइस यार अगर अभी के टाइम पे हम लोग स्कैलर कैरेक्टर को यूज करते हैं तो हम लोग जिस ग्लू वॉल के ऊपर स्कैलर कैरेक्टर की एबिलिटी मारते हैं वही ग्लू वॉल फूटती है। बट गाइस यार OB38 अपडेट के बाद स्कैलर कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज हो जाएगी। और अभी गाइस यार आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये हमारे OB38 अपडेट के बाद आने वाले स्कैलर की एबिलिटी है। यहाँ पर गाइस यार आप लोग स्क्रीन में देखो, यहाँ पर बहुत सारी ग्लू वॉल है और जैसे यहाँ पर से हम लोगों ने स्कैलर की एक्टिव स्किल को यूज किया तो यहाँ पर एक रेंज बन गया जिसके अंदर जितनी भी ग्लू वॉल थी सारी की सारी ग्लू वॉल फट गई। सच में यार मुझे तो लगा था कि करीना फ्री फायर स्कैलर की एबिलिटी बेकार कर देगा, बट गाइस यार यहाँ पर तो करीना फ्री फायर ने स्कैलर की एबिलिटी को इम्प्रूव कर दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बाकी गाइस यार आप लोगों को ये नई स्किल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट के बाद बैटल रॉयल मोड में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली है। जैसे कि गाइस यार हमारे गेम के अंदर लूट रेडर आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं इस लूट रेडर से हम लोग बहुत ही इजीली लूट कर पाएंगे। जैसे कि गाइस यार अभी आप लोग इस क्लिप में देखो, मेरा बैग यहाँ पर फुल हो चुका था और मुझे एक नए बैग की जरूरत थी तो ऑटोमेटिकली मैप के अंदर एक लेवल 2 का बैग पिन हो गया। भाई मैंने पिन भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ से खुद ही पिन हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारे लूट रेडर की वजह से ही पिन हो रखा है। सच में यार ये अपडेट काफी बढ़िया है, आप लोग खुद ही सोचो यार हम लोगों को एक मेडिकेट भी चाहिए होता तो इतनी सारी खोजबीन करनी पड़ती है। बट OB38 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ पिन हो जाएगा जो हम लोगों को चाहिए रहेगा। भाई जो भी यार जैसा भी है मुझे तो फीचर काफी अच्छा लगा। बाकी गाइस यार आप लोगों को लूट रेडर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी गाइस यार आप लोग स्क्रीन में देखो, हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट के बाद एक जैमर भी आने वाला है। मैं आप लोगों को इसका काम बताऊं तो जैसे ही गाइस यार हम लोग इस जैमर का यूज करेंगे तो हम लोगों को ना ही UAV डिटेक्ट कर पाएगी, साथ ही साथ गाइस यार ना ही हम लोगों को क्लू कैरेक्टर डिटेक्ट कर पाएगा और ना ही ऑटोपैड। भाई एक तरीके से जैमर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग खुद ही सोचो यार आप लोग किसी के पीछे भी आ जाओगे और अगर उसने यूएवी का भी यूज किया होगा फिर भी वो आपको नहीं ढूंढ पाएगा। ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो यही दोनों आइटम है जो कि हमारे गेम के अंदर बैटल रॉयल मोड में आने वाले हैं। होप करता हूं गाइस आप लोगों को दोनों ही आइटम पसंद आए होंगे। बाकी गाइस यार मैं अभी आप लोगों को कुछ और चेंजेस दिखा देता हूं जो कि हमारे गेम के अंदर VR मोड में OB38 अपडेट के बाद होने वाले हैं। तो गाइस यार सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में देखो, हम लोगों को हमारे गेम के अंदर आर्सेनल देखने को मिलेगा। अभी आर्सेनल क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी गाइस यार आप लोग स्क्रीन में देखो, ये जो ट्रेजर रूम आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, भाई सच में यार एडवांस सर्वर के अंदर इसका नाम ट्रेजर रूम था बट अब जो करीना के ऑफिशियल पोस्टर निकल के आ रहे हैं उसके अंदर इसका नाम आर्सेनल कर दिया गया है। ओवरऑल गाइस इसके नाम में क्या ही रखा है, अभी हम लोग इसका काम क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये आर्सेनल हमारे गेम के अंदर हम लोगों को रैंडमली देखने को मिलेगा एंड इसको अनलॉक करने के लिए हम लोगों को एक की चाहिए रहेगी जो कि हम लोगों को गेम के अंदर रैंडमली मिलेगी। फिर गाइस यार जैसे ही हम लोगों को की मिल जाएगी हम लोग की से इसको अनलॉक कर पाएंगे एंड इसके अंदर गाइस यार हम लोगों को बहुत सारी लूट मिलेगी। यहाँ पर गन रहेगी, ग्लू वॉल रहेगी, बैकपैक रहेगा, मेडिकिट रहेगा, गन के एमओ वगैरह रहेंगे। होप करता हूं गाइस आप लोगों को आर्सेनल पसंद आया होगा। बाकी गाइस यार अभी मैं आप लोगों को कुछ और चेंजेस दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, हम लोगों को OB38 अपडेट के बाद सोलो रिवाइव का भी एक फीचर हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। जी हां गाइस यार मान लो आप लोग सोलो गेम खेल रहे होगे और आप लोगों को कोई बंदा मार के जाएगा तो आप लोग ऑटो रिवाइव हो जाओगे। भाई सुनने में तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है बट चलो गाइस यार मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग इस ऑटो रिवाइव के फीचर से ऑटो रिवाइव हो पाएंगे। तो गाइस यार देखो हम लोगों को OB38 अपडेट के बाद सोलो VR गेम के अंदर एक ऐसा हार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि गाइस यार स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का रहेगा। एंड गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसी
हार्ट के थ्रू हम लोग एक बार रिवाइव हो पाएंगे और ये जो हार्ट रहेगा हमारे गेम के अंदर सिर्फ 3 ही मिनट के लिए रहेगा। जी हाँ गाइस, यार कहने का मतलब ये है कि हम लोग 3 मिनट के अंदर अगर मरते हैं तो ही हम लोग ऑटो रिवाइव हो पाएंगे, वरना गाइस यार ये हार्ट गायब हो जाएगा 3 मिनट के बाद और फिर हम लोग ऑटो रिवाइव नहीं हो पाएंगे। बाकी गाइस यार चलो मैं अभी आप लोगों को इस फीचर का डिटेल रिव्यू दे देता हूँ। तो गाइस आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत खोजबीन करने पर मुझे ग्रेनेड मिला है। अभी मैं इस ग्रेनेड का इस्तेमाल करके खुद को फोड़ लूंगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे मैं ऑटो रिवाइव होता हूँ। तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में देखो, यहाँ पर मैं ब्लास्ट हो चुका हूँ एंड स्पेक्टेटर में आ गया हूँ एक तरीके से कहा जाए तो। एंड यार सिर्फ 5 सेकंड का टाइमर लगा यहाँ पर एंड देन मैं ऑटो रिवाइव हो चुका हूँ। सच में यार कितना तगड़ा फीचर है भाई, मुझे तो लग रहा है ना अब वो भी 38 अपडेट के बाद हर कोई बंदा सोलो मोड में जाके रैंक पुश करेगा। एक बार उतरो, ऐसी जगह उतरो जहाँ पर तगड़ा वाला रश चलता हो, वहाँ पर लड़ मरो एकदम, 3-4 किल भी कर लो और बाई चांस उसके बाद कोई आप लोगों को मार भी देता है तो ऑटो रिवाइव तो हो ही जाओगे। एंड यार बाई चांस आप लोगों को कोई मार ही नहीं पाया तो फिर तो आप लोग बात सही हो। ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही हम लोग एक बार ऑटो रिवाइव हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग वापस ऑटो रिवाइव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गाइस यार उसके बाद जो हमारे हार्ट रहेगा ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग OB38 अपडेट के बाद सोलो VR गेम के अंदर एक बार रिवाइव हो पाएंगे, वो भी 3 मिनट के ही अंदर। होप करता हूं गाइस अभी मैं आप लोगों को ऑटो रिवाइव का जो भी फंडा समझाना चाहता था आप लोग को समझ पाए होंगे। बाकी गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अपकमिंग वेब इवेंट के बारे में। तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो बहुत ही कमाल का डिस्काउंट वेब इवेंट आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं यही डिस्काउंट इवेंट हमारे गेम के अंदर काफी जल्द आने वाला है। सच में यार ये वाला डिस्काउंट इवेंट मेरा फेवरेट है। यहाँ पर गाइस यार हम लोग किसी भी 3 आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम लोगों को बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि गाइस आप लोग स्क्रीन में देखो, यहाँ पर मैंने 3 बंडल सिलेक्ट करे हैं जिनका एक्चुअल प्राइस है 3197 डायमंड। बट गाइस यार इस वाले डिस्काउंट इवेंट के अंदर से मुझे तीनों आइटम 797 डायमंड के मिल रहे हैं भाई, लिटरली यार बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट है। ओवरऑल गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला डिस्काउंट इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर OB38 अपडेट के बाद 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को अपने हिसाब से डेट बताऊं तो 20 से 25 जनवरी के बीच में हम लोगों को डिस्काउंट इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। होप करता हूं गाइस आप लोगों को डिस्काउंट इवेंट पसंद आया होगा। बाकी गाइस यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे OB38 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर वेतरन रिवॉर्ड और न्यूबी रिवॉर्ड चेंज होने वाले हैं। आप लोग देखो हम लोगों को वेतरन रिवॉर्ड के अंदर M4A1 का स्किन देखने को मिल रहा है, ग्लू वॉल मिल रहा है, इमोट मिल रहा है, UMP की गन स्किन मिल रही है। साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर कुछ क्रेट्स हैं और नेम चेंजिंग कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है। और गाइस यार न्यूबी रिवॉर्ड्स के अंदर हम लोगों को 3-3 कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर इमोट है, ग्लू वॉल है, पेन का स्किन है। साथ ही साथ गाइस यार यहाँ पर AK का गन स्किन है, UMP का गन स्किन है एंड और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने देख ही ली होंगी। भाई आप लोग खुद ही सोचो यार, हम लोगों को वेतरन और न्यूबी रिवॉर्ड्स में इतने सारे OP से आइटम देखने को मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। बाकी अगर हम लोग इन रिवॉर्ड्स की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूबी रिवॉर्ड्स उन बंदों के लिए रहते हैं जो कि गेम के अंदर नए होते हैं। कहने का मतलब यह है कि गाइस यार OB38 अपडेट के बाद जो भी बंदा गेम के अंदर आईडी बनाएगा उसको न्यूबी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। साथ ही साथ गाइस यार 1 से 2 हफ्ते के बाद अपनी आईडी को खोलेगा उसको वेतरन रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जी हाँ गाइस यार वेतरन रिवॉर्ड के लिए करना कुछ नहीं है, अपने मेन अकाउंट को 1 से 2 हफ्ता बंद रखो और उसके बाद अकाउंट को खोलो तो वेतरन रिवॉर्ड्स आपके। भाई मुझे तो सच में यार ये वेतरन और न्यूबी रिवॉर्ड्स काफी अच्छे लगे, वरना पहले के टाइम पे यहाँ पर गरीना 7-7, 4-4 दिनों के लिए चीजें देता था, वो भी बेकार बेकार सी। बाकी गाइस यार आप लोगों को ये रिवॉर्ड्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओवरऑल गाइस यार क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसीलिए गाइस यार आज के इस कमाल के वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।